हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सन फिजिक्स। आज हम क्लास टेंथ के लिए ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ कंफ्यूजन रहता है कि जो हम घरों में चलाते हैं केवल वही इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज़ नॉट दैट ओनली। अब देखिए, जैसे हम हेयर में कॉम करते हैं तो जब ये कॉम हमारे बालों को रब करके जाता है तो इसके बाद अगर हम इस कॉम इन पेपर्स के ऊपर रखें तो ये पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पेपर हुए हैं अट्रैक्ट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से? चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की वजह से आती है। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या? डेफिनेशन आपके सामने है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट एग्जर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर बॉडी। यानी कि रब करने से क्या हुआ, वो जो कॉम है वो चार्ज हो गया। उस चार्ज ने क्या किया, उन पेपर के पीसेस पे एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो पेपर उस कॉम्ब से चिपक गए। तो चार्ज एक तरह से एक प्रॉपर्टी है। गॉट इट? अब हमारे पास चार्ज कितने तरह के होते हैं? चार्ज दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, चार्ज को समझने से पहले जरूरी है एटमिक स्ट्रक्चर समझना। अब आप कहेंगे एटमिक स्ट्रक्चर का इसमें क्या रोल है? देखिए, कोई भी बॉडी जिसको हम चार्ज करना चाह रहे हैं वो एटम्स से मिलके बनी है। तो एटम्स के अंदर हमने बेसिक लेवल पे पढ़ा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड है चार्ज का कंसेप्ट। और जो टाइप ऑफ चार्ज है उसका कंसेप्ट भी, कि पॉजिटिव कैसे होता है नेगेटिव कैसे होता है, तो हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एटमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे अंदर का पार्ट होता है न्यूक्लियस। ये हमने न्यूक्लियस शो किया है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? ये है प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ये हैं न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये तो न्यूक्लियस के अंदर की बात है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। कैसे? इस ऑर्बिट के अंदर। इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं इस तरह से, ये लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से इनको कुछ एनर्जी मिल जाए तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए ऐसे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये जो एटम है ये आयन बन जाएगा। और कैसा आयन बनेगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो इस तरह से बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाए ही। जैसे मान लिया हमने दो बॉडीज़ को रब किया तो एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन जाता है और एक बॉडी से जाता है। तो जहाँ से गया वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज। और अगर मान लिया ये स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है, दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, लेकिन अब रब करने पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उस केस में ये जो आयन बना कैसा बना? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बना। यानी कि एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं तो वो चार्ज्ड हो जाते हैं और चार्ज्ड आयन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज्ड। द चार्ज ऑन ए बॉडी इज डिनोटेड बाई क्यू।
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि केवल एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से चार्ज नहीं होगा, देयर कैन बी मैनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो जितना चार्ज आएगा उसे स्मॉल क्यू लेटर से शो करते हैं। बाय द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एंड ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम। इसका मतलब किसी बॉडी पे ऐसा नहीं है कि कितना भी चार्ज आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे n है, n एक तरह से इंटीग्रल वैल्यू है, या तो वो वैल्यू 1, 2, 3, 5, 7 होगी। इंटीजर क्यों कहा? क्योंकि चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसका मतलब कि जो चार्ज होगा वो एक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये कहलाता है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला है। अब चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, इसको कैपिटल सी से शो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दैट इज़ द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, क्योंकि कोई बॉडी तब चार्ज होगी जब उस बॉडी से या तो एक इलेक्ट्रॉन लिया जाए या एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, उससे कम इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है दैट इज़ द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और वो आपके सामने लिखा है 1.6 × 10^-19 कूलम। जैसा कि मैंने बताया, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, किसी दूसरी बॉडी को देती है, और अगर वो गेन करती है तो वो नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। इस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि एक बॉडी ने 1 कूलम चार्ज गेन करना है, अब 1 कूलम चार्ज गेन करने के लिए यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी टू चार्ज इट थ्रू 1 कूलम, एक बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ताकि उस पर टोटल चार्ज जो हो वो 1 कूलम आ जाए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्यू इक्वल टू एन ई, यहाँ से n क्या आ जाएगा, q बाय e, और n की वैल्यू q1 है, इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 × 10^-19, इसको सॉल्व करके आ जाता है 6.25 × 10^-18 मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या क्लियर होता है कि जो 1 कूलम चार्ज है वो छोटा चार्ज नहीं है, वो बहुत बड़ा चार्ज है, और उसके अंदर यानी कि अगर आप 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी को देना चाहते हैं तो आपको उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में से निकालोगे तब जाके उस बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज आएगा। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 कूलम छोटा चार्ज नहीं है, ये बहुत बड़ा चार्ज है। इसके लिए हम मिली कूलम, माइक्रो कूलम जैसी यूनिट चार्ज की यूज़ करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं अगर वो रेस्ट में है तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी स्टडी की जाएगी वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएगी। जैसे चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स, एक चार्ज के अराउंड उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह की काफ़ी टर्म्स होंगी जो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब वो चार्ज मूव करते हैं तो वो करंट बनाते हैं, उसकी स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वो सब इसमें आएगा। आपकी क्लास के हिसाब से ये आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज बियॉन्ड ऑफ योर सिलेबस। तो अभी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे हमारे पास ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपके सामने बैटरी,
कनेक्टिंग वायर, उसके साथ बल्ब, ये बल्ब है, और एक स्विच है जो फिलहाल ओपन है। ध्यान रखिए, स्विच ओपन और स्विच ऑन दो अलग बातें हैं। स्विच ओपन का मतलब ये है कि इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। ये जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हमने एक बैटरी के थ्रू करंट जो सर्किट में से पास होता है और उससे जो बल्ब ग्लो होता है हम उसको शो करने वाले हैं। और इसमें ये देखिए, ये जो रेड कलर के सर्कल्स हैं छोटे छोटे विद नेगेटिव साइन, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। पूरी कनेक्टिंग वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल पास पास। ये हमने दूर बनाया है ताकि आपको देखने में क्लैरिटी रहे, समझने में आसानी रहे। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब ये स्विच ऑन किया जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द कनेक्टिंग वायर। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और उसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। कैसे, देखिए, ये अभी स्विच ऑफ है, अब ऑन कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। देखिए ये जो मूवमेंट आ रहा है ब्लिंकिंग के साथ, ये जैसे ही बल्ब तक आएगा ये बल्ब ग्लो हुआ और करंट आगे जा रहा है। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक आपकी बैटरी डाउन नहीं हो जाती। हम देखते हैं कि लगातार अगर सेलिया बैटरी का यूज़ करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो डाउन हो जाती है और उससे जो बल्ब है ये उतना ग्लो नहीं करता, बहुत कम करता जाता है, कम कम कम, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि फिर ये बल्ब ग्लो ही नहीं करता। तो उस टाइम तक ये जो बैटरी है ये करंट दे सकती है। तो इसका मतलब जब लंबे टाइम तक करंट फ्लो होगा वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टडी करेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात करूं तो करंट किस डायरेक्शन में होगा। देखिए ये जो पॉजिटिव है ये डायरेक्शन है करंट की, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट है। ध्यान दीजिए, करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो अब करंट होता क्या है, करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी तेजी से चार्ज फ्लो होता है। मैथमेटिकली इसे कैसे करेंगे, इफ अ चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी देन द करंट आई थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय, यानी कि अगर कोई चार्ज Q है जो किसी कंडक्टर से होके T टाइम में पास होता है तो T टाइम में चार्ज Q जा रहा है, वन में कितना जाएगा Q बाय T, उसी को बोलेंगे करंट I। सो I इज इक्वल टू Q बाय T, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, कैपिटल A से शो करते हैं। और क्यों कहते हैं एम्पियर, क्योंकि एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं एंड्रे मारी एम्पियर, जिनका लाइफ स्पैन रहा है 1775 से 1836 तक, उनके रेस्पेक्ट में इस करंट की यूनिट का जो नाम रखा गया वो एम्पियर रखा गया। इसके अलावा एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, चार्ज कूलम होता है, टाइम सेकंड होता है, तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम बाय सेकंड भी हो सकता है। तो वन एम्पियर क्या हो जाएगा, वन एम्पियर इज इक्वल टू वन कूलम बाय वन सेकेंड। तो अगर हम वन एम्पियर करंट को डिफाइन करना चाहें तो वो डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर किसी कंडक्टर में से एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज फ्लो होता है तो कितना करंट फ्लो हुआ, वन एम्पियर। सो वन एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय वन कूलम ऑफ चार्ज इन वन सेकेंड, इसे वन एम्पियर करंट कहेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, वन कूलम जो है वो बहुत बड़ा चार्ज है, अगर वो एक सेकंड में फ्लो हो जाएगा तो वो करंट वन एम्पियर है। अब जब वन कूलम चार्ज बहुत बड़ा है और वो एक सेकंड में फ्लो हो जाता है तो जो वन एम्पियर करंट बना वो भी बहुत बड़ा होगा ना,
इसका मतलब करंट के लिए भी हमें छोटी यूनिट्स चाहिए होंगी, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। म्यू ए से शो करते हैं इसको और मिली एम्पियर को स्मॉल एम कैपिटल ए से शो करते हैं। मिली एम्पियर और एम्पियर में क्या रिलेशन है और माइक्रो एम्पियर एम्पियर में क्या रिलेशन है? 1 माइक्रो एम्पियर 10^-6 एम्पियर के बराबर होता है और 1 मिली एम्पियर 10^-3 एम्पियर के बराबर होता है। अब करंट मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे एमीटर बोलते हैं और उसे हमेशा सीरीज में लगाते हैं। अभी जो सीरीज पैरेलल वाला कंसेप्ट है वो इसे अगली वीडियो में हम क्लियर करेंगे जहां हम रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल आप माइंड में रखिए कि जो करंट को मेजर करने का डिवाइस है उसका नाम एमीटर होता है। मिली एमीटर को अगर मतलब मेजर कर रहा है यानी कि छोटे करंट को मेजर कर रहा है तो मिली एमीटर भी उसको बोलते हैं और इसको जो आपका सर्किट है उसके सीरीज ऑर्डर में लगाया जाता है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। एक करंट है 0.5 एम्पियर का, वो इलेक्ट्रिक बल्ब के एक फिलामेंट से फ्लो होता है कितने टाइम के लिए? 10 मिनट्स के लिए। तो कितना चार्ज उस सर्किट में उस दौरान फ्लो हुआ हमें वो निकालना है। अब गिवन क्या क्या है, एक तो करंट 0.5 एम्पियर, टाइम 10 मिनट है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60 तो 600 आ जाएगा। अब क्यू होता है IT, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमने पढ़ा है तो Q हो जाएगा IT, I की वैल्यू रखी T की वैल्यू रखी, रिजल्ट आ जाएगा 300 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2×10^20 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट, व्हाट इज द करंट इन मिली एम्पियर। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं कि वो पास हो रहे हैं और टाइम बता रखा है 1 मिनट, आपको करंट बताना है मिली एम्पियर में। अब एन की वैल्यू, क्योंकि Q इक्वल टू एन ही होता है, उसमें से एन क्या है 2×10^20, टाइम 60 सेकेंड। अब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, Q की वैल्यू एन ई बाई टी रख दी हमने, एन आपके पास है, ई आपके पास है, टी आपके पास है, सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं और हमारा रिजल्ट जो आता है वो 0.533 एम्पियर आता है और एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होंगे क्योंकि वो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 533 मिली एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.1×10^-11 मीटर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8×10^15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, फाइंड द इक्विवेलेंट करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था चार्ज की मूवमेंट करंट लाती है। अब एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है तो वो भी तो मूविंग चार्ज है, इसका मतलब उसकी वजह से भी क्या आएगा, करंट आएगा। और वो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अब चार्ज किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। टाइम कितना, अगर एक ऑर्बिट की बात करें तो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फॉर इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू ई एंड फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन स्मॉल t इज इक्वल टू टाइम पीरियड कैपिटल t। तो पूरा एक चक्कर काटने में जो समय लगेगा उसे हम कैपिटल t से शो कर देते हैं। और फ्रीक्वेंसी और कैपिटल t में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि जो q इंटू क्यू बाई टी को हम q इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं।
तो 1/T को फ्रीक्वेंसी, जैसे क्यू की वैल्यू ई रखी और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, इसे हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई इंटू न्यू। न्यू है फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी भी दी गई है और रेडियस दी गई है। तो पहले अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1.088 इंटू 10^-12 -3 एम्पियर, ये वैल्यू आएगी। इसमें रेडियस की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी एंड वी गेट द करंट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 × 10^-11 मीटर विद द स्पीड ऑफ 2.2 × 10^6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस 1.6 × 10^-19 कूलम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले जैसा है लेकिन इसमें कुछ एडेड चीज़ है। क्या? इसमें आपको स्पीड दी गई है। अब वो कैसे यूज़ होगी? हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है क्यू बाय टी। अब जैसे लास्ट वाले में हमने क्यू की जगह ई रख लिया था, टी की जगह टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ले लिया था। अब टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना लेंगे? रिवॉल्व करने में डिस्टेंस होता है सर्कमफ्रेंस के बराबर, दैट इज 2πr बाय वी। ये वी ऊपर आ जाएगा तो ई वी बाय 2πr। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, रेडियस दे रखी है। सारी वैल्यूज पुट करते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है 1.12 × 10^-3 एम्पियर, या फिर इसको मिली एम्पियर में देखें तो 1.12 मिली एम्पियर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये एनटीएसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसके न्यूमेरिकल भी ट्राई करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।